हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश डाक विभाग में निकली है बम्पर भर्तियां। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या योग्यता रहेगी इसमें अप्लाई करने के लिए और कितनी सैलरी दी जाएगी और कितनी आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। पूरा डिटेल में समझेंगे और फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो वीडियो से एंड तक जुड़ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे पूरी वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको योग्यता बता दें, अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास कैंडिडेट जितने भी हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के लिए पोस्ट बम्पर भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में। अगर आप भी 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम फीस की बात कर लेते हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। देखिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फीस है और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 0 रुपये फीस है, 1 भी रुपये फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं मेल कैंडिडेट, उन सभी की आपके यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, और आपको बता दें कितनी सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। अगर इसमें आपका मेरिट बेस ये पूरी तरह से आपका होने वाला है, इसमें कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी, पूरी तरह से इसमें मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो 10 से 14 हज़ार के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी इसमें पर मंथ की, और पूरा मेरिट बेस आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको आना है इंडियन पोस्ट GDS की वेबसाइट पर। आप जैसे ही आएंगे आपको apost.in नाम से वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है या तो सरकारी रिजल्ट से जाके टोटली वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, जो जो मेन मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखिए हम क्लिक आप दिखा देते हैं कैसे आपको करना है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो। देखिए यहाँ पे आपको अपने अपना नाम लिखना है जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, फादर का नाम लिखना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपका लिखा हुआ है, आपको मोबाइल नंबर जिस पर OTP जाए, वैसे OTP जाएगा नहीं, आधार नंबर, फिर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है, कम्युनिटी SC ST जो भी है, अगर EWS है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको यस या नो जो भी करना रहेगा। अगर आपने किस सर्कल से 10th पास किया वो सर्कल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास में किस क्लास आपने 10th क्लास कहाँ से पास की वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा, क्या आपको साइकिल चलानी आती है वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा, यस नो करना पड़ेगा, या आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है तो उसमें भी आपको यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे NOC अवेलेबल करानी पड़ेगी। आप प्रीव्यू करके कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू करके देख सकते हैं, फिर आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट का बटन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अभी हमने भरा नहीं है इसलिए आपको सबमिट का ऑप्शन हमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम आ जाएंगे फिर से, हम आपको दोबारा से इस पर ओपन करते हैं, वो क्लोज़ हो गया एक सेकंड। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है फ़ी पेमेंट पे। फी पेमेंट उन्हीं को करना है जो जनरल OBC EWS के मेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट की 0 रुपये फ़ीस है और SC ST कैंडिडेट की भी 0 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, फ़ी पेमेंट कर देंगे। फ़ी पेमेंट में वही प्रोसीजर है जैसे आप डेबिट का क्रेडिट का, जैसे आप अप्लाई करना जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए आपके फोटो लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है और हाई स्कूल की मार्कशीट इसमें लगेगी। ठीक है, फिर सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट। आपको पहले प्रेफरेंस पूरा पढ़ लेना है, सबमिट करने के बाद प्रीव्यू देख लेना, फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इसका भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं अप्लाई ऑनलाइन का, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना भरना पड़ेगा, फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फिर चूज प्रेफरेंस करना है आपको, और फिर प्रिंट आउट आपको फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर सर्कल आपका जो भी है, सर्कल जो भी आपका सर्कल है वो आपको यहाँ पर डाल के उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश डाल देंगे, फिर यहाँ पर आपको डाल के सबमिट कर देना है। सिंपली बहुत ही आसान से, इसके बाद आपको एक मिल जाएगा, इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन का एक आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप पूरा उसे अपना सेव करके रख लीजिएगा। मेरिट के बेस पर आपका इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है पूरी तरह से। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में। धन्यवाद।